लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं, तो समझ लेना आपने अपने आप को वो कठपुतली बना लिया है जिसके सुख और दुख दूसरों के हाथ में है। इसलिए अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं कि अमरूद मीठे हैं, लेकिन बाद में उसी फल पर नमक लगाकर खाते हैं। लोग आपके मुंह पर ये तो बहुत बोलेंगे कि वो चाहते हैं कि आप सफल हो जाओ, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनसे भी ज्यादा सफल हो जाओ। दोस्तों, कभी दूसरों को अपने बारे में सफाई देकर अपना वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितनी उनकी औकात होती है। दिलों में खोट और जबान से प्यार करते हैं बहुत से लोग, बस यही व्यापार करते हैं। इसीलिए मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लो, कोई कुछ भी कहे बस मुस्कुरा दो, और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल जरूर करो। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए तो जरूर कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। और हमेशा अपने अंदर झांक कर अपनी काबिलियत को ढूंढो, क्योंकि आपकी कमियां तो कोई भी ढूंढ कर निकाल सकता है। अपनी जिंदगी की तुलना किसी और के साथ कभी मत करना, क्योंकि सूरज और चांद दोनों ही चमकते हैं लेकिन अपने अपने समय पर। दोस्तों, एक बार में कोई भी कोशिश सफल नहीं होती, असफलता यह बताती है कि हमने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया। अगर हमें अपने जीवन में कुछ बेहतर करना है तो हमको सबसे ज्यादा अपने कीमती समय पर ध्यान देना होगा। आज की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अगर आप इसके साथ नहीं चलेंगे तो निश्चित ही पीछे हो जाएंगे। सही समय पर सही काम करने से ही सफलता मिलती है। किसी ने क्या खूब कहा है, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, ये जिंदगी का खेल है, इसको खेलना जरूरी है। दोस्तों, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीने में होती है। दोस्तों, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको समय पर समझ आ जाती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं रहती और जब समझ आती है तो सही समय हाथ से निकल चुका होता है। कभी भी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, कभी ऐसा भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं, पर हमेशा यह जरूर सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होता है। कुछ नहीं होता कोसने से, किस्मत को अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होता है। दोस्तों, मन का दर्पण आपको कभी झूठ नहीं बोलने देगा, आपका ज्ञान आपको कभी भयभीत नहीं होने देगा, आपके हृदय का सच आपको कभी कमजोर नहीं होने देगा, आपका विश्वास आपको कभी दुखी होने नहीं देगा और आपकी मेहनत कभी आपको असफल होने नहीं देगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। कोशिशों पर कोशिशें जो करता लगातार है, सही मायने में वही जीत का हकदार है। एक बार में जो हार मान ले उस पर तो धिक्कार है, अपनी बदहाली का वो खुद ही जिम्मेदार है। असफलता का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अभी तक सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदलो। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, मंजिल उसी की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक नई दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।